यार मेरा पंचलाइन मेरे को चेंज करना पड़ेगा यार, ऐसे नहीं हो सकता है। मास्क पहन के रहिए, कोविड बहुत बुरा है, पर कोविड तो अब जा चुका है, तो मेरे को अपना पंचलाइन चेंज करना है। काश। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। दिस इज सृष्टि राठी। थोड़ा कश्मकश में दिमाग है, मतलब कश्मकश में नहीं बोलेंगे, इट्स लाइक होने जा रही है जो चीज़ जो बहुत टाइम से मैं दिमाग से सोच रही थी। सबसे पहले तो हैप्पी अक्षय तृतीया टू ऑल ऑफ यू, ईद मुबारक सबको। और आज का दिन बहुत अच्छा है एंड टुडे इज सैटरडे एज वेल, सो वी थॉट कि आज हम लोग किया की ईयर पियर्सिंग करा लेते हैं। यस, यू हर्ड इट राइट, आज हम लोग किया की ईयर पियर्सिंग करा रहे हैं। इस चीज के ऊपर मैं बहुत दिनों से, काफी टाइम से, जब से किया एक साल की हुई थी तब से मैं सोच रही थी कि कब कराना सही है, कब कराना सही है, क्योंकि एक साल के बाद मेरे को लगता है कि वैलिड है, करा लेना चाहिए। ये देखिए ये जो फ्रॉक है इसकी बड़ी मम्मी ने दी है, तो नए नए कपड़े पहन के ये ईयर पियर्सिंग कराने जा रही है। और जो इसको बाली पहनाई जाएगी वो इसकी मेघा मम्मा ने दी है, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ वहां पहुंच के। और अभी हम लोग निकलते हैं, बाकी की बाद में, बाकी की बातें हम लोग जब पियर्सिंग बाकी की बातें हम लोग जब वहां से आ जाएंगे फिर करेंगे। किया दिखा दो अपना बिफोर, दिखा दो विदाउट पियर्सिंग, बिफोर हैप्पी, आफ्टर भी हैप्पी होना चाहिए, ठीक है? शार्प करना पड़ता है क्या? इतना पतला तो आएगा भी नहीं है। तो तुम्हारे लिए ये रुको ना, वो उसकी बाली में डलेगा, मम्मा उसकी बाली में डलेगा। ठीक है ना आकाश? नहीं नहीं ठीक है, जब सही सेंटर में लग रहा है तो ठीक है, नहीं ठीक है ठीक है, बढ़िया। अभी देखिए बराबर है ना, देखो वो बराबर नहीं है, इधर वाला नहीं है। ये नारियल में क्यों लगा के रखते हैं? इसमें ऑयल लगता है ना। अच्छा ऑयल, अच्छा ये ऊंचा है, ये थोड़ा नीचे लग रहा है, आप देखिए ये थोड़ा ऊंचा। तो आपको मैक्स मैक्स किया, मैक्स मैक्स अच्छा स्माइल करो, इधर देखो स्माइल करो, चलो स्माइल करो, डन हो गया। बुबू हो जल्दी, बुबू के पास। अच्छा चलो 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 करे चलो, ये सही चमरी गई। मैक्स 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 जल्दी आ जाओ, आ जाओ मैक्स मैक्स। ये हमने करवाया है यश ज्वेलर से, और बहुत अच्छे से आपने करा है, बहुत हाइजीन के साथ। और ये शॉप कहाँ पर हुई? कोपर खेरने में, सेक्टर 3 में ये शॉप है। जिसको जो भी इस एरिया के हैं वो यहाँ आए, और इन्हीं को मैं रिकमेंड करती हूँ, इन्हीं से कराएं। थैंक यू सो मच, बाय करो अंकल आंटी को, चलो फ्लाइंग किस दे दो, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, ऑल डन सॉर्टेड। किया
किया किया मजे आ रहे हैं अभी उसको लालच है कि मेरे को कुछ दिलाओ खाने को चॉकलेट खाइए यस वी आर बैक और बहुत अच्छे से हो गया लिटरली इतना इजीली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मुझे ये तो पता था कि रोएगी रोई लेकिन चुप हो गई और रास्ते भर भी बिल्कुल शांति आई है अभी दूध पी रही है चेंज कर दिया मैंने बस अब थोड़े बहुत प्रिकॉशंस मेरे को लेने होंगे जो कि मेरे को अभी पूछना भी है कुछ कुछ तो मुझे पता है बट मैं और 100% श्योर होने के लिए पूछ लूंगी कि क्या क्या मेरे को एग्जैक्टली करना होगा घर वालों को अभी तक बताया नहीं है क्योंकि इतना सडनली प्लान बना तो बस आकाश का वेट कर रही हूँ वो आए तो फिर हम लोग घर पे फोन करते हैं होपफुली वो लोग जाग रहे हो क्योंकि इट्स ऑलरेडी 10 तो उनको दिखाते हैं उनका रिएक्शन नोट डाउन करते हैं मैं जब 1 साल की थी तब मेरे पेरेंट्स ने मेरा कान छिदवाया था तो मेरे को यही पहनाया था और ये अभी तक मेरे कान में है मैंने नहीं निकाला है अगर मेरे को कुछ इयररिंग भी डालना होता तो मैं इसी के साथ डाल लेती हूँ बट मैं ये नहीं निकालती हूँ और मैंने यही सोचा था कि जो मेघा ने इसको दिया है वही मतलब रहेगा इसके कान में लेकिन वो थोड़ा हैवी है तो अभी उन लोगों ने बोला जिनको छेदना है कि स्टार्टिंग से इतना हैवी नहीं डलवाते तो वो मैं उसको 1 महीने या 1.5 महीने के बाद डालूंगी अभी के लिए जैसे मेरा ये तार है एक मोती के साथ ऐसा ही किया का भी छेदा है जो कि शायद आप लोगों ने देखा होगा देखिए जा बिल्कुल अब ये नॉर्मल है मतलब तो इसका भी एक ही तार के साथ ब्लैक मोती के साथ छिदा है और अब किया और मैं ट्विन कर रहे हैं लाइफ टाइम ट्विन करेंगे अब पता नहीं निकालती है कि नहीं निकालती है वो तो खैर देखा जाएगा बड़ी हो जाएगी तो फिर उसको मतलब पहले समझाना मनाना फिर उसके बाद आफ्टर इफेक्ट्स भी अलग रहते हैं क्योंकि मैंने कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस देखे हैं तो मैं ये चाहती थी कि इसकी ये चीज़ हो और ये नहीं सोचा था कि मतलब मुंबई आने के बाद विद इन 1 वीक ये हो जाएगा आज अक्षय तृतीया थी और आज कहा जाता है कि गोल्ड लेना चाहिए तो और ये एक मतलब आज सैटरडे भी है तो सैटरडे इज लाइक अ गुड डे पियर्सिंग के लिए तो सब कंडीशंस मीट हो रही थी मेरी तो मैंने सोचा करवा देते हैं मतलब गोल्ड का गोल्ड भी हो जाएगा बाय करना इसे कान भी छिज जाएंगे और लाइक मुहूर्त भी सब अच्छा है तो बहुत सब कुछ अच्छे से हो गया एंड वेरी मच हैप्पी और बस अभी करते हैं घर पे कॉल और देखते हैं सबका रिएक्शन कैसा होता है फिंगर्स क्रॉस्ड कि सब क्या बोलेंगे कैसे रिएक्ट करेंगे क्योंकि हम बताएंगे नहीं कॉल करके हम सीधा कॉल करके किया को दिखाएंगे एंड वी विल सी कि नोटिस होता है कि नहीं होता चेहरे पे आपको दिख रहा है खुशी आई एम वेरी मच हैप्पी विद दिस डिसीजन नेक्स्ट मॉर्निंग एंड एवरीथिंग सीम्स गुड कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुई रात में इसने बहुत आराम से ये सोई है अभी भी शी इज स्लीपिंग और सबका रिएक्शन भी आपने देख लिया सब बहुत खुश हैं सबको अच्छा लगा कि हो गया तो व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड बाय बाय टेक केयर ख्याल रखिए अपना एंड बी प्रोग्रेसिव इन लाइफ ये मेरा आज से नया पंचलाइन हो गया